अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज 9 फरवरी को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत थी। उस ताल्लुक से काफ़ी लोगों का फ़ोन कॉल्स दस्तियाब हो रहा है। काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को कि आज की तारीख में और समाअत में काफ़ी कुछ होने का इम्कान था। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक में ही होना था, जैसा कि आनाकानी और किसी न किसी से बहानेबाजी डिपार्टमेंट की और गैर हाजिर रहना, ये चीज़ें जो है आप लोगों ने एक मतलब तसलसल के साथ आप लोगों ने देखा है कि इस तरह से डिपार्टमेंट की तरफ से होता रहा है। कभी 10 लाख रुपए दे दीजिए, कभी 50 लाख रुपए दे दीजिए, कभी 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी नज़ला, कभी सर्दी, कभी ज़ुकाम, इस तरह की चीज़ें होती रही हैं डिपार्टमेंट की तरफ से। उन सब के बाद आज 9 फरवरी को जो डेट थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह से समाअत की है। लगभग 1 घंटे तक समाअत हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी अभी चीज़ें बातें निकल करके आ रही हैं वो बहुत अहम और बहुत असर अंदाज है। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ लगी हुई तमाम निगाहों के लिए हीरा ग्रुप की हक्कानियत और लोगों की जो डिपार्टमेंट है, जो कंप्लेनर हैं और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे लगे हुए हैं, उनकी रुसवाई के लिए बहुत बड़ा सबूत है। इस सबूत को मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आपने ये चीज़ बहुत कम सुना होगा कि किसी मामले की समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बजाते खुद ट्वीट करे और ट्वीट करके किसी भी पार्टी के मामले में उसकी हक्कानियत की गवाही दे। जी हाँ, आज ऐसा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ट्विटर पर ये चीज लिखा गया है, जो कि तारीख में इस चीज को कम से कम मैं अभी तक ये नहीं जानता था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से अपनी रिएक्शन भी देता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात में चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सब पर मुझे तरस आता है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इससे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, इससे बड़ा बयान, इससे बड़ा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हक्कानियत का सबूत और क्या हो सकता है? लोगों को जो गुमराह किया गया उसकी गुमराही के लिए इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग उस ट्वीट को पढ़ सकते हैं। तारीख साज वो लफ्ज है और उसमें सीधा सा अल्फाज ये कहा गया है कि 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने वाला मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके मामलात को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचने वालों पर मुझे अफसोस आता है, तरस आता है। किसने कहा है ये बात? कही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन लोगों को जो मुस्तैद हैं मामलात को तूल देने के लिए हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ। लिहाजा मैं ज्यादा बड़ी अपनी वीडियो ना करते हुए ये बताना चाहता हूं कि शाम को जब इंशाल्लाह ताला ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगी, उस वक्त मुझे उम्मीद है कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगी, क्योंकि काफ़ी वक्त हुआ है कि उन्होंने समाज के ऊपर, कानूनी कार्रवाइयों के ऊपर कुछ बातचीत नहीं की है। इंशाल्लाह ताला शाम को जब ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगी वेबसाइट पर, उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO कुछ न कुछ अपने ख्यालात का इजहार करेंगी और किन किन बातों पर रद्द अमल का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट ने, किन किन बातों पर सख्ती से ऑर्डर दिया है और किन किन बातों का मजीद और दरवाज़ा खुल गया है, किस किस तरह से अहकामात जारी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, इंशाल्लाह ताला शाम को जब ऑर्डर कॉपी अपलोड हो जाएगी उसके बाद ऑफिशियल कोई ना कोई बयान आएगा इंशाल्लाह ताला। इस बात के इंतज़ार में हम रहेंगे। लेकिन अहम और ख़ास तौर पर जो मेरे यहाँ पर आने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि मुझे तरस आती है उन लोगों पर जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जैसी मासूम कंपनी को, बेगुनाह कंपनी को, हक्कानियत पर अपना तमाम बुनियाद रखने वाली कंपनी को, सूरज की तरह पूरी दुनिया में आया और वाजह रहने वाली कंपनी को लोग इस तरह से तूल दे करके मुल्क का कितना नुकसान कर रहे हैं, इकोनॉमी का कितना नुकसान कर रहे हैं, लोगों की रोजी रोटी और खुशहाली पर कितना बड़ा ज़र्ब लगा रहे हैं लोग,
डिपार्टमेंट वाले और जो कंप्लेनर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने दांतों तले उंगलियां दबाते हुए ये लफ्ज कहा है कि मुझे अफसोस है, उन लोगों पर तरस आता है जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात को तूल दे रहे हैं। इन बातों के साथ हम लोग तफसीलात का इंतजार करें इंशाल्लाह ताला, और सीओ से उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह ताला वो अपनी जुबान से आज की तमाम अपडेट को बयान करेंगी और हम लोगों तक मुकम्मल हक्कानियत और तमाम चीज़ों के ऑर्डर्स कि अब हम लोगों को क्या रहनुमाई मिल सकेगी, किस किस तरह की सहूलियात दस्तियाब हो सकेगी सुप्रीम कोर्ट ने और कौन कौन सी सहूलियात पर अपने ऑर्डर जारी किए हैं, उस चीज़ पर हम इंतज़ार करेंगे कि आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कुछ न कुछ शाम को जब ऑर्डर कॉपी आ जाए तो कुछ न कुछ वो अपनी तरफ से बयान जारी करेंगी जिसमें कि तफसीलात होंगी और इत्मीनान होगा और हम लोगों के लिए राहत भरी खबरें होंगी इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।